सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज समय और कुदरत जरूर करती है। आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का और ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। आज का पंचांग 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, रात्रि 10:41 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 2:04 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:15 से 10:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 8:51 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मेष राशि 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, आज परिवार के सहयोग से आपको अधिक उत्तेजित और सुरक्षित महसूस हो सकता है। आप उनसे मदद प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सलाह और मार्गदर्शन से अटके कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार हम अपनी समस्याओं को अकेले ही सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार करीबी लोगों के साथ उनकी राय लेना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आपको नए और स्वतंत्र दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद कर सकता है और समस्या का समाधान ढूंढने में सहायक हो सकता है। अंत में अपनी काबिलियत पर विश्वास करें और मेहनत के साथ काम करें। इस समय में अपनी स्थिति को समझते हुए आप अपने करियर के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती हैं, अग्रसर भी हो सकती हैं। आज आप अपना समय परिवार और रिश्तेदारों के साथ बिता सकते हैं, जो अच्छा रहेगा। इससे आपका संबंध मजबूत होगा और आप अपने करियर में सफलता के बावजूद भी अपने परिवार का समर्थन और सहायता करेंगी। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का सही समय होने के बावजूद यह भी ध्यान देने योग्य है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें और उन्हें सफलता की दिशा में ले जाएं। यह दिन आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए। इस दिन को एक संबंधित उत्साही और सफल दिन बनाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। मेहनत में काम करें और जमकर आनंद उठाएं। आज या पूरे दिन इसी स्थिति पर चलेंगे और यह उपयुक्त भी है। दिन की शुरुआत सामान्य हो सकती है, लेकिन अंत दोस्तों और परिवार के साथ भी जश्न से होगा। आपके लोगों को हंसाने की क्षमता और खुश मिजाज स्वभाव बड़ी पार्टी की मेजबानी के लिए भी बहुत उपयुक्त है। आप नहीं जानते हैं कि शुरुआत आज कैसी करनी है। बल कटवाने जैसा आसान काम आपको नए चरण की शुरुआत के लिए भी तैयार कर सकता है। अगर आप कार्यस्थल पर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, तो खुद पर विश्वास जरूर रखें, आप सफल होंगे। अपनी ताकत को बनाए रखें और खुशियां आपके साथ भी रहेगी। आज लोगों से मिलने जुलने का भी दिन है। आप खुश रहेंगे और इस सुखद क्षणों का मजा जरूर लेंगे। अच्छी तरह से सुख का अनुभव करने के लिए अपने उत्साह को बनाए रखें। अपने प्रियजनों, दोस्तों और बुजुर्गों के साथ दिल खोल कर बातें करें। खुद पर विश्वास करो तो सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। आज चोट से बचने के लिए आप थोड़ा ध्यान रखें, साथ ही सही तरीके से कमर सीधी करके बैठना न केवल व्यक्तित्व में सुधार लाता है, बल्कि सेहत और आत्मविश्वास के स्तर को भी ऊपर ले जाता है। आज मजे करने का भी दिन हो सकता है, बस खर्चों पर काबू रखें, जरूरत से ज्यादा खर्च से बचें। गुस्सेल वाले बर्ताव के बावजूद आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बचें। आपकी कड़ी मेहनत और निष्ठा खुद आपके लिए बोलेगी व दूसरों का विश्वास और सहयोग आपको हासिल होगा। चीजों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता
आपको दुष्टों से आगे बनाए रखेगी। खर्चों को लेकर जीवन साथी से थोड़ी बहस हो सकती है। सावधानियां। आज बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान में कमी आ सकती है। इससे संबंध खराब हो सकते हैं, जो किसी भी परिवार के लिए दुखद हो सकता है। इसे समझने और समाधान के लिए समय निकालें, ताकि संबंधों में स्थिरता बनी रहे। विद्यार्थियों के लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करें, उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें उनके लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन के अन्य पहलुओं से बाहरी तनाव और कार्य का तनाव आपके रिश्ते की स्थिति को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने रिश्ते को अहमियत से समझेंगे और अपने कार्य क्षेत्र और अपने रिश्ते को अलग अलग रखेंगे, तो काफी हद तक इससे आप बच सकती हैं। आपका साथी आज काफी हद तक एक सहायक की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस बात को अपने साथी की उपयोगिता को जानने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। आज आप खुद पर अधिक ध्यान दें और नया हेयर कट आपके रूप को और भी निखार देगा। पैसे का नुकसान आपको हताश करेगा, किंतु चिंता ना करें, यह समस्या जल्द ही दूर होगी। भाई बहन या पार्टनर आपसे अधिक समय की मांग कर सकती हैं। आज आपका दिन शानदार है और आपको कुछ ऐसे सरप्राइज मिलने वाले हैं जिससे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आपकी दिलचस्पी विपरीत लिंग और सुखदायक गतिविधियों की ओर रहेगी। अपने प्रियजनों को प्रसन्न रखें। आज आप अद्भुत प्यार और अंतरंगता को भी पूरे दिल से महसूस करेंगे। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने दिल की बात लोगों से करके उन्हें भी प्रसन्न करेंगे। एक कदम पीछे हटकर उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आपको पहले मदद मिली है। इससे आपको विशेष संतुष्टि और निस्वार्थ प्यार की भावना महसूस भी होगी। अपने लक्ष्य को आप निर्धारित करें और इन लोगों से बातचीत करें, शायद आपका काम बन जाए। आज आपके सितारों के अनुसार नई नौकरी या रोजगार की संभावना भी है, जिससे आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ खुशी व संतुष्टि भी प्राप्त होगी। आज का पूरा दिन नई योजनाएं बनाने और नए अनुभवों में बीत सकता है। आपका नम्र और शांत स्वभाव आपके सहकर्मियों को भी आज प्रभावित कर सकता है। आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य की लंबी प्रतिबद्धता का फल भी आपको मिलने जा रहा है। एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है, अतः आपको अपनी प्रतिबद्धताओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और ना भूलें, और उनके साथ सदा विनम्रता से पेश आएं। यह न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगा, बल्कि आपके भविष्य में भी आपको मदद देगा। बात करते हैं सेहत की। मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह संकेत कर रहे हैं कि आपको ध्यान देने की सलाह देते हैं। ग्रह का संकेत है कि आपको इस पर ध्यान देना है। आपका मानसिक स्वास्थ्य आज कुछ परेशानियों का कारण भी बन सकता है। अगर आपका व्यवहार अजीब सा लग रहा है या आप असहाय महसूस कर रहे हैं, तो इसे गंभीरता से लें। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना और उनसे सहायता लेना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वे आपको सही मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर सकते हैं, ताकि आप समस्याओं का समाधान कर सकें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकें। आज का उपाय। आज आप भगवान शनि देव जी की पूजा आराधना करें और तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।